अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सायरा सत्तारी किचन। स्पेशल मेरा साउथ का विलेज वाला सालन, जो हमारे गांव में घर में ही मुर्गी को काटते हैं, गर्म पानी में भिगोते हैं और अपने हाथों से साफ करते हैं, मतलब स्टीम वाली चिकन। तो आज मेरे यहाँ तो हम लोग जहाँ रहते हैं कितना इजीली सब चीज़ें मिल जाती हैं, सिर्फ ऑर्डर करो सब चीज़ें आपके घर पे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में आज भी आपको अपने हाथों से सब चीज़ करना होता है। और जो हमारे बड़े लोग होते हैं ना, उनको खुशी मिलती है ये सब करके खिलाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ विलेज स्टाइल चिकन, स्कीन वाला चिकन करी, और उसके अंदर जैसे साउथ का है तो नारियल स्पेशल, टमेटो रहेगा और मेरे घर के मसाले रहेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि पीसेस कैसे करना है, चिकन को कैसे मंगवाना है, या फिर आप घर में करो तो कैसे करना, और मसाले क्या लगेंगे। आ जाइए, सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ स्कीन वाली चिकन। तो ये स्कीन वाली चिकन है, जैसे आप देख रहे हो ये स्कीन वाली चिकन है। और अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप विदाउट स्कीन भी ले सकते हो, और सेम मसालों के साथ में आप चिकन करी बना सकते हो विलेज स्टाइल में। तो ये मैंने लिया है स्कीन वाला चिकन, इसको अच्छे से क्लीन करी हूँ और थोड़े से पीसेस मैंने रखे बड़े। तो ये हो गया हमारा चिकन, और ये जो मसाले हैं सब हमारे घर के मसाले, बिल्कुल आज बाहर के कुछ भी मसाले नहीं है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तड़के में सबसे पहला लगने वाला है गरम मसाला, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता और इलायची जो रहती है उसको थोड़ा सा दबा लीजिए ताकि उसकी खुशबू और टेस्ट पूरा सालन में आ जाए। और एक चक्री फूल, तो ये तड़के में लगेगा, और उसी के साथ साथ प्याज लगने वाला है, जो मैंने प्याज को किया है दरदरा। और उसके साथ में लगने वाले हैं ड्राई मसाले, जिंजर मसाले, अदरक मसाला, और उसके साथ साथ ग्रीन चिली मसाला, क्योंकि विलेज में जो होता है आप पत्थर से पीस पीस के एक एक मसाले डालते हो, क्योंकि मेरे घर में जाती हूँ तो ऐसे ही खाना खाती हूँ। तो ये है, जैसे कि यहाँ पे है टमेटो प्यूरी, तो ये मैंने फ्रेश टमेटो को पीस के प्यूरी बनाई हूँ। इस तरीके से आपको टमेटो प्यूरी बनाना है, और डिपेंड कि आपको खट्टा चाहिए या स्पाइसी चाहिए। और उसी के साथ में ये गीला नारियल है, तो नारियल को पीस के आप एक अच्छा बाउल भर के इसका नारियल के साथ ले लीजिए, जैसे कि इसका जूस और नारियल सब पूरा एक साथ ले लीजिए इसको। ये एक क्वाटी नारियल है जो कच्चा नारियल, और उसके साथ में यहाँ पे बड़ा चम्मच भर के लिया है मैंने अदरक लहसुन, मतलब जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये मैंने घर में ही बनाई हूँ। और ये भी इसके अंदर जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली, जो थोड़ा स्पाइसी देती है और बहुत टेस्ट आता है ये मसाला अगर आप ऐड करते हो तो। ये दोनों मसाले भी मेरे घर के हैं। और ड्राई मसाले, जैसे कि यहाँ पे है कश्मीरी मिर्च जो अच्छा कलर दिखे आपको, उसके साथ है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और जो टेस्ट के लिए चाहिए हमें है रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, अगर किसको पसंद है तो आप ले सकते हो, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा डालना, थोड़ा सा उसका जो झटका लगेगा बहुत मजा आता है। और ये लिया है मैंने स्पेशली जो सौंफ होती है, बड़ी सौंफ, ये जो है मैंने स्पेशली अपने घर में बना कर रखती हूँ, क्योंकि जब आप कोई भी बिरयानी बनाते हो ना, और ये है बड़ी सौंफ जो होती है उसको थोड़ा सा भून कर इसका पाउडर बना कर रखिए। अगर बिरयानी बनाते हो और अगर ये आप यूज करते हो तो लाजवाब बिरयानी बनती है। और उसी के साथ सारे मिक्स गर्म मसाले जो मैं घर में बनाती हूँ उसका पाउडर, और इसके साथ में जो अगर ये नहीं रहेगा तो कोई चीज़ में मज़ा ही नहीं रहेगा, नमक। तो ये सारे ड्राई मसाले हो गए, और उसके साथ साथ ऊपर से छिड़कने के लिए हमें चाहिए हरा धनिया। तो आप देख रहे हो इतने थोड़े से मसालों में इतनी टेस्टी ये ग्रेवी बनने वाली है। तो आप बनाना ज़रूर, और बना के मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय बताना कि कैसी बनी थी ये ग्रेवी विलेज स्टाइल की। ऑयल मेरा अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताई कि इसमें छोड़ना है गरम मसाला, तो ये आप छोड़ दीजिए गरम मसाला, आंच को कर लीजिए स्लो, नहीं तो थोड़ा सा आप हाथ जलने का डर होता है। बिस्मिल्लाह। और जैसे ही आप गरम मसाले इसमें डालोगे उसी के साथ साथ आपको इसमें डालनी है प्याज। देखिए एकदम ब्राउन कांदा चाहिए, उसके साथ में जो हमारा ये जो दोनों मसाले है ये छोड़ लीजिए, साथ ही साथ आप इसको हाथ चलाते रहिए इस तरीके से, और गैस को कर लीजिए फास्ट। और इसके साथ साथ हमें छोड़ना है जो ड्राई मसाले है हमारे, वो छोड़ना है। अच्छे से इसको चला लीजिए, खुशबू एकदम मसालेदार। और इसको पानी की जरूरत लगेगी, तो जो टमेटो प्यूरी है हमारी वो आप पहले आधी डाल लीजिए, क्योंकि मसाला हमें थोड़ा भूनना है। देखिए सब मसाले जब हम डाल देते हैं तो ये भूनना स्टार्ट हो जाता है, और भूनना
जब होता है तो आपको पता है कि जब ऑयल छूटता है तो मसाला भूनना एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाता है। पर जैसे कि विलेज स्टाइल की करी है तो इसको पूरा हमें मसाला नहीं भूनना है, क्योंकि इसके अंदर डाला है चिकन और चिकन के साथ में इसको भूनना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। ये जो नारियल है तो इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और चिकन के साथ में ही नारियल आपको छोड़ना है। और अब आप इसको सबको मिक्स कीजिए इस तरीके से। और जैसे ये भूनने लगे और आपको लगे कि ये अब अच्छे से सब मिक्स हो गया है, तो अगर आप गर्म पानी यूज़ करना चाहते हो तो गर्म पानी यूज़ कर लीजिए, और अगर ठंडा पानी यूज़ करना है तो ठंडा पानी यूज़ कर लीजिए। और ग्रेवी आपको जितनी चाहिए आप उतनी ग्रेवी इसके अंदर एक साथ पानी डालिए, क्योंकि ये चिकन जो है ये पतला बनता है। इसके साथ में स्टीम राइस है या फिर बघारे हुए राइस है तो उसके साथ में ये पतली वाली करी होती है, और उसके साथ में दबा के आप प्याज को दबाइए और उसके साथ में चक्कर खाइए। विलेज स्टाइल का फील भी कीजिए और विलेज स्टाइल का खाना भी खाइए। तो अभी मैं इसको थोड़ा भून रही हूँ, उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी पानी। अच्छे से भून के हो गया है मेरा मसाला, तो अब मैं इसमें डालने वाली पानी, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए। तो और ये देखिए इसका कलर देखिए माशाल्लाह, टेस्ट लाजवाब। ये देखिए मुझे इतनी ग्रेवी, और ये चिकन जब गलेगा पकेगा थोड़ी सी कम होगी, पर ये जो करी होती है विलेज करी ये थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। और हम लोग कर्नाटक के हैं तो वहाँ पे एक हीट बोलकर रागी का हीट खाते हैं, इसके साथ पतला रस्से के साथ ऐसे लगा के हीट खाते। तो यहाँ तो हम लोग कभी कभी मन होता तो बना ही लेते, पर आज नहीं बनाने वाली हूँ मैं। अब इसको मैं ढक रही हूँ और स्लो ब्लो कुछ नहीं, तेज आँच पे, गाँव में तो चूल्हे में बनता है, तेज धड़कती आँच पे इसको बनाया जाता है। तो तेज आँच पे इसको छोड़ दीजिए, लेकिन बीच बीच में आप इसको चेक करते रहिए। मैं बीच बीच में इसको चेक करती रही और माशाल्लाह जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी वो मेरी बन चुकी है, ये देखिए। और इसी के साथ चिकन भी अच्छा खासा गल गया है, और देख के ही आपको फील आ रहा होगा ना ये गांव टाइप का सालन, और सच में ये गांव टाइप का, ये खुशबू भी वैसे ही आ रही है। बस अब इसका जो फाइनल है वो हमें डालना है हरा धनिया, बस इस तरीके से डाल दीजिए और ढक्कन लगा के गैस बंद करके इसको छोड़ दीजिए, और फिर बनाते हैं स्टीम राइस।